welcome back to our channel. And in this episode of Exploring the Ma Bengaluru, we are going to the most exciting place of the Bengaluru. So abhi hum jahan ja rahe hain, it is basically called the paradise of a Bengaluru, and it is a perfect weekend getaway for the Bangalore people. So मतलब थंबनेल से आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट फिर भी लेट मी टेल यू गाइस दैट वी आर ट्रैवलिंग टू नंदी हिल्स. ट्रैवलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यू हैव टू थ्री ऑप्शंस टू रीच टू नंदी हिल्स. सबसे बेसिक जो है बस वाला, क्वाइट अफोर्डेबल एंड अच्छा भी है, तो आप बस से जा सकते हो. बस आपको बेंगलोर से मिलेगा टू नंदी विलेज तक, और नंदी विलेज से आपको नंदी हिल्स तक जाने के लिए यू विल गो गेट ऑटो, और मतलब प्राइवेट जो व्हीकल्स है वो मिल जाएगा आपको आराम से. सेकेंड ऑप्शन इज़ बाई कार. तो अगर इफ़ यू आर ओनिंग अ कार, इट्स अ सूटेबल एंड मोस्ट कम्फर्टेबल वे मोड ऑफ ट्रैवलिंग, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो. जो थर्ड ऑप्शन है, यू कैन ऑल्सो गो देयर बाई रेंटेड कार्स होते हैं, जैसे कि ओला उबर वगैरह, तो उसे भी आप जा सकते हो, बट इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव. वन साइड ट्रिप आपको जाता है 2000 अराउंड तक, तो आप काफ़ी सारे लोग हो तो और ऑफकोर्स शेयरिंग में यू कैन ऑप्ट फॉर इट. अदरवाइज आई मीन आई विल सजेस्ट यू टू चूज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. मैंने सुना है कि अगर इफ़ यू आर लिविंग इन द मॉर्निंग, ऐसे एकदम सुबह सुबह, तो आप बाइक पे भी जा सकते हो. इट दैट्स आई मीन जो रोड है दैट इज़ वेरी परफेक्ट फॉर बाइक राइडिंग. हिल स्टेशन है तो ऑफकोर्स फील भी काफ़ी अच्छा आता है, तो बाइक राइड भी आप कर सकते हो. सो फॉर स्टेइंग पर्पज वी हैव ऑप्टेड फॉर मयूरा होटल. ये गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट अंडर ही आता है, तो इसका जो जानकारी है, हमने बुकिंग कैसे किया, किस टाइप के रूम्स है वगैरह, आई विल गिव दैट डिस्क्रिप्शन. जस्ट अ मिनट, आई विल क्विकली शो यू वन गुड व्यू. डेस्टिनेशन का तो पता नहीं, बट ये सफ़र तो बहुत ही खूबसूरत है. ये पेड़ पौधे, ये हवा, ये माउंटेंस, ये रोड, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है. तो अगर आपको रोड ट्रिप पे यहाँ पे कभी प्लान करना है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आइए. आई एम डैम श्योर कि आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे. मुझे तो रोज ही देखते रहोगे यार, व्यू देख लो. तो हम अभी आ चुके हैं नंदी हिल्स के बेसमेंट पे. ये उनका मेन एंट्रेंस है. यहाँ पे एक पार्किंग एरिया भी है जहाँ पे वी कैन पार्क आवर व्हीकल, बट अभी हमने एक्चुअली ऊपर होटल बुक किया है, तो इसलिए वो हमें अलाउड कर रहे हैं गाड़ी ऊपर लेके जाने के लिए.
अगर होटल बुक भी नहीं किया है तो नो वरीज, यहाँ पे एक पार्किंग एरिया है जहाँ पे हम अपना बाइक या फिर कार पार्क कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए वी हैव टू ऑप्शंस, एक तो है ये उनके गवर्नमेंट बसेस है जो हमें नीचे से ऊपर लेके जाएंगी और ऊपर से भी देल टेकस बैक डाउन स्टेयर्स। सो उसका टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन, एंड अगर आपको ये ऑप्शन नहीं चूज़ करना है तो आप बाय वॉक भी जा सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग ट्रेकिंग, बट काफ़ी लंबा वॉक है तो मतलब थिंक एज पर योर कन्वीनियंस। वी हैव फाइनली अराइव्ड एट द टॉप ऑफ नंदी हिल्स, अभी जल्दी जल्दी चेक इन कर लेते हैं एंड देन वी विल एक्सप्लोर अदर थिंग्स। सो फ्रेंड्स, वी हैव फाइनली गॉट द कीज फॉर आर रूम, इट इज़ रूम नंबर 6 इन नेहरू निलया, एंड लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस द रूम, ये ना मुझे पर्सनल विला का वाइब दे रहा है, काफ़ी सुंदर है यार, ग्रीनरी एंड दिस रूम। अभी रूम में देख लेते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ है। बेसिकली ये एंट्रेंस है, ये है रूम विथ ऑल द बेसिक एमिनिटीज। मैं क्विकली आपको बता देती हूँ क्या क्या है यहाँ पे। यू हैव द सिटिंग अरेंजमेंट हियर विथ 1 TV यूनिट, टीपॉय, वाटर बॉटल है और विद 2 ग्लासेस है। यहाँ पे बेड है, लाइट है, फैन है, ये तो बेसिक है, ये तो देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा है, क्लीन है, टाइडी है। यहाँ पे उन्होंने शैम्पू बॉटल्स वगैरह भी दिया है एंड काफ़ी मतलब बेसिक सब कुछ है यार, मुझे तो अच्छा लगा। एंड इतना सुंदर बाहर का नज़ारा होने पे आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल बी स्पेंडिंग टाइम हियर इन द रूम। रूम टूर हो गया तो मैं आपको फटाक से बता देती हूँ कि इसका रूम बुकिंग हमने कैसे किया है। तो बेसिकली KSTDC नाम का एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ से हमने इसका बुकिंग किया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे 2 टाइप के रूम्स है, एक है गांधी निलया और एक है नेहरू निलया। अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं वो नेहरू निलया है, इसका कॉस्ट हमें पड़ा था 3000 रुपीज़, 500 हियर एंड देयर हो सकता है, और गांधी निलया का कॉस्ट है वो 4000 से 4500 के अराउंड होता है। इसमें डिफरेंस यही है कि गांधी निलया में यू विल गेट एन एक्स्ट्रा बालकनी, और इस बालकनी का फेसिंग होगा ईस्ट साइड पे, तो सनराइज व्यू जो है वो देखने के लिए आपको साइट सीइंग पॉइंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप आपके रूम में बालकनी में बैठ के देख सकते हो। तो इफ़ यू आर अ लेजी पर्सन सो गांधी निलय ऑप्ट करिए, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट नेहरू निलय बेस्ट रूम्स एज दे आर गिविंग मी द पर्सनल विला वाइब्स। सो येस, दैट्स अबाउट होटल बुक। आने के बाद यहाँ पे आपको सब बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कि पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट, और ये है मयूरा पाइन टॉप रेस्टोरेंट, दिस इज़ द एंट्रेंस, सो आई एम गोइंग देयर। इसके बाजू में ही ये साइट सीइंग पॉइंट है, यहाँ से क्या बढ़िया नज़ारा आता होगा यार। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी इट, इट्स देयर। ओके, लेट्स क्विकली गो टू दिस रेस्टोरेंट। वेलकम, आई मीन इवन इफ दिस इज द बेसिक रेस्टोरेंट क्विकली गिव यू द ग्लिम्स ऑफ द व्यू हियर, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ दी मेनू कार्ड, यहाँ पे देखते हैं अभी क्या क्या है। मैं पहले भी देख चुकी हूँ ये। सो यहाँ पे सूप्स मिल जाएंगे, सलाड्स मिल जाएंगे, बहुत वैरायटी मिल जाएगा आपको, वेज नॉन वेज। मेन कोर्स है, लिमिटेड आइटम्स है बट सब है, और प्राइसेस भी काफ़ी रिजनेबल है। यहाँ पे आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है फॉर योर इंफॉर्मेशन, सो आपको आना है यहाँ पे तो यहीं पे खाना है। मेरा स्पाइसी है।
गाइज वी वर सो हंग्री दैट आई लिटरली फॉरगॉट टू टेक फुटेज ऑफ मेन कोर्स। तो अभी हमने खाना ख़त्म कर लिया है एंड वी हैव अ प्लान टू गो बैक टू द रूम एंड थोड़ा एक घंटे का नैप लेके देन वी कैन गो फॉर एन इवनिंग वॉक। सो आफ्टर अ नैप आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर एन इवनिंग वॉक। तो चलो फिर घूम के आते हैं थोड़ा सा। इस प्लेस में जो शांति है, जो सुकून है ना, वो दिल को बहा जाता है। मतलब बहुत ऐसे पीसफुल और काम लग रहा है मुझे तो यहाँ पे। और ऐसे ज़रूरत होती है यार दिल को भी। तो यहाँ पे मैं और सूर्यदेव जी एक दूसरे के साथ हाइड एंड सीक खेलते हुए। तो आफ्टर प्लेइंग हाइड एंड सीक अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर। इस प्लेस पे ना एक्चुअली ऐसे बहुत सारे ब्लू बोर्ड्स आपको दिखेंगे, वो जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है। हिस्टोरिकल स्टोरीज भी उन्होंने इसमें डिस्प्ले किया है और काफ़ी साइन बोर्ड्स भी दिखेंगे। मेक श्योर कि आप साइन बोर्ड्स का वीडियो और फोटोज़ ले रहे हो, बिकॉज़ ये प्लेस बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, तो देर इज़ अ चांस दैट यू मे गेट लॉस्ट। तो जस्ट टू ट्रैक बैक योर सेल्फ, इट्स गुड टू कीप द फुटेज ऑफ द प्लेस यू आर विजिटिंग। सो आफ्टर गोइंग हियर मेरा प्लान है कि मैं अभी यहाँ पे एक टेम्पल है वहाँ पे जाने वाली हूँ। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द मंदिर टेम्पल। यहाँ पे दे हैव टेकन 5 रुपीज एंट्री फी है। अभी हम दर्शन लेके आ चुके हैं। एक्चुअली मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो आई कुड नॉट गेट द फुटेज ऑफ इट। अभी मैं आपको बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाने वाली हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर, ये मतलब इतनी शांति थी ना इस प्लेस में, क्या बताऊँ मैं आपको। काफ़ी मुझे ओल्ड वाइब्स आ रहे थे इधर। सो दिस इज़ योगनंदेश्वरा टेम्पल। अभी टेम्पल में दर्शन होने के बाद आई हैव अ प्लान टू विटनेस दी सनसेट। तो ये जो टेम्पल है योगनंदेश्वरा का, उन्हीं के ये टेम्पल के राइट साइड से एक रोड है जो बैक साइड पे लेके जाएगा आपको। तो ये बैक साइड का रोड आपको लेके जाएगा सनसेट व्यूइंग पॉइंट पे। तो चलो फिर अभी सनसेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इफ़ यू डोंट हैव एनी प्लान टू स्टे हियर फॉर ओवरनाइट, तो 6:30 को आपको लास्ट बस मिलता है जो आपको नंदी हिल के टॉप से नीचे लेके जाता है। तो अगर आप ओवरनाइट के लिए नहीं रुक रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जल्द से जल्द ये जो सेंट्रल एरिया है नंदी हिल्स के, यहाँ पे वहाँ पे जाके पहुँचना है। यहाँ पे तो मुझे प्रॉपर कैंप जैसा वाइब आ रहा था। बट जो लोग अगर ओवरनाइट के लिए प्लान कर रहे हैं, दोज पीपल आर अलाउड टू रोम अराउंड द प्लेस। तो अभी हमने ली है एक गर्मा गर्म चाय और फिर इसके बाद हम जाने वाले हैं एक खूबसूरत नज़ारा देखने। लुक एट द व्यू, सिटी ऑफ स्टार्स, आर यू शाइनिंग जस्ट फॉर मी। बहुत ही सूदनिंग एक्सपीरियंस था। तो थोड़ी देर ये व्यू एंजॉय करने के बाद हमने फटाक से डिनर किया और वी हैव अ प्लान टू स्लीप अर्ली, क्योंकि कल सुबह तो हमें सनराइज़ देखना है। जिस मोमेंट के लिए वी हैव बीन हियर, वो मोमेंट हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी तो पड़ेगा ना। तो अगर आप भी आ रहे हो यहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए तो जल्दी सो जाओ। तो ऑन दैट नोट, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स अ ब्रांड न्यू डे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम उठ के रेडी हो चुके हैं। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ नेहरू निलया मॉर्निंग का।
And I'm super duper excited to see the sunrise. So we are heading to the sightseeing point. अगर आपका भी प्लान है और सनराइज़ देखने का तो मेक श्योर कि आप 5:30 बजे तक इस प्लेस पे आ जाओ सो दैट यू कैन ऑल्सो रिजर्व अ गुड स्पॉट फॉर योर सेल्फ टू विटनेस दिस ब्यूटिफुल मोमेंट. एक्चुअली गाइज आई एम गोइंग टू कीप दिस वीडियो एज रॉ एज पॉसिबल सो दैट आप जो आपको भी जो रियल फील है इस प्लेस का वो मिल सके, वो भी आप इन्जॉय कर सको थ्रू इस वीडियो. एंड लुक एट दैट क्राउड गाइज, कितने सारे लोग आए हुए हैं जस्ट टू विटनेस दिस ब्यूटिफुल मोमेंट. तो चलो फिर हम भी मज़े लेते हैं सनराइज का. मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. संकुटे 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 संकुटे. So you have lot of places to sit here and enjoy the view. अभी आपने दो व्यूज तो मैंने दिखा दिए आपको, यहाँ पे भी दिखा दिया कि सिटिंग अरेंजमेंट्स कैसे है. अभी विदाउट बैरिगेट्स वाला भी है, थोड़ा रिस्की है, बट इफ़ यू आर एडवेंचरस एंड रियली वॉन्ट टू विटनेस दिस ब्यूटिफुल मोमेंट विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस देन यू कैन डेफिनेटली सिट हियर एंड एन्जॉय द व्यू. दिस इज really a surreal experience for me and let me show you. Meet a cute little friend. Hurry. After witnessing 2-3 points, sunrise points, we are going to next point. या उन्होंने जगह जगह पे ऐसे हट्स भी बनाए हैं. आई विल शो यू. यहाँ से कैसे नजर आ रहा है. Thank you.
आफ्टर सीइंग ऑल द ब्यूटिफुल व्यूज़, अभी तो मुझे भूख लगी है क्योंकि सुबह जल्दी भी तो उठे थे हम और तब से तो घूम ही रहे हैं। आँखों को सुकून प्राप्ति हो गई लेकिन पेट पूजा करनी बाकी है अभी। तो चलो फिर लेट्स गो एंड हैव ब्रेकफास्ट। सो वही रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं जहाँ पे वी हैड आवर लंच यस्टरडे, लंच एंड डिनर बोथ। आई एम एक्साइटेड टू सी द व्यू हाउ इट लुक्स इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट करने के बाद वी आर मी एंड हरियांश हैविंग फन टाइम वॉचिंग मंकीज। इस जगह पे ना एक्चुअली बहुत सारे मंकीज है तो रेस्टोरेंट के बाहर खाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो दिस इज द मयूरा होटल पॉइंट टॉप एंड वी स्टेड हियर। इट वॉज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस टू बी हियर इन नेचर। यू कैन लिसन टू द बर्ड्स चिरपिंग। It's very soothing experience. My baby is crying now, so I have to go. And sadly, it's time to say goodbye to this beautiful place. So, निकलने का तो बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से। You can look at Hariyansh, even he's resisting to walk towards the car and wants to sit and spend more time at this place. But निकलना तो पड़ेगा। जितनी हो सके उतनी सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करने का ट्राई किया है। सो आई हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस वीडियो। एट द सेम टाइम मुझे बहुत मज़ा आया है ये वीडियो बनाने में एंड आई एम श्योर कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा ये देखने में। सो डोंट फॉरगेट टू शोवर योर लव विथ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। एंड आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।